नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में IQOO Z55G वर्सेस IQOO Z65G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Z55G में 6.48 इंच जबकि IQOO Z65G में 6.46 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Z55G से कम है। विड्थ की बात करें तो Z55G में 3.02 इंच जबकि IQOO Z65G में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Z55G से कम है। बात करें थिकनेस की तो Z55G में 0.33 इंच जबकि IQOO Z65G में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Z55G में 193 ग्राम जबकि IQOO Z65G में 185 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। Any ideas? तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Z55G में 6.67 इंचेस जबकि IQOO Z65G में 6.58 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Z55G में 1080x2400 और IQOO Z65G में 1080x2408 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Z55G में 85.14% जबकि IQOO Z65G में 84.09% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Z55G में 395 पिक्सल प्रति इंच जबकि IQOO Z65G में 401 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Z55G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और IQOO Z65G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Z55G में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और IQOO Z65G की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Z55G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 2 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और IQOO Z65G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Z55G में Adreno 642L जबकि IQOO Z65G में Adreno 619 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Z55G में Qualcomm Snapdragon 778G और IQOO Z65G में Qualcomm Snapdragon 695 मिलता है। बात करें RAM की तो Z55G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB की RAM मिलती है जबकि IQOO Z65G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Z55G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है जबकि IQOO Z65G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 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 स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Z55G में नहीं है जबकि IQOO Z65G में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Z55G में Android V11 जबकि IQOO Z65G में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं।
कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही दो कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Z5 5G में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 23,990 रुपीस, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 26,990 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें iQOO Z6 5G की तो उसमें तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 15,499 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 16,999 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 17,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो iQOO Z5 5G में तीन फायदे और शून्य नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें iQOO Z6 5G की तो उसमें 7 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में Z5 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में iQOO Z6 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy M51 है, दूसरा Realme 7 Pro है, तीसरा Samsung Galaxy M31s है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें OnePlus Nord है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना।